अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनके वाले। कैसे हैं आप सब? आज मैं जो आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, जो सीरप बना रही हूँ, ये कोरियन से बहुत इंस्पायर्ड है। ये कोरियन लोग बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी स्किन ग्लो करती है, हर वक्त नीट एंड क्लीन रहती है, बिल्कुल साफ़ और शफाफ होती है, ठीक है ना। ये जो सीरम मैंने बनाया है ये कोरियन से इंस्पायर्ड है। हम लोग बाज़ार से जो सीरम ख़रीदते हैं वो इंतहाई महंगे होते हैं, बजाय इसके कि आप इंतहाई महंगे सीरम लें, आप घर पे ही इस सीरम को बना सकते हैं आसानी से। इस सीरम को बनाने के लिए बहुत सी कम चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जो हमें आसानी से घर में भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। घर में हमारे पास बहुत से ऑयल पड़े होते हैं, उनसे भी हम लोग सीरम बना सकते हैं। मेरे पास कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ठीक है ना। आप इन सब से भी एक सीरम तैयार कर सकते हैं। मैं आज आपको इससे एक ऐसा सीरम बनाना सिखा रही हूँ जिससे आपको इंतहाई फ़ायदा होगा, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी, आपके चेहरे से जितने भी एक्नी हैं, स्पॉट्स हैं और दाने, झुर्रियाँ, छाइयाँ वगैरह हैं, और इसके मुसलसल इस्तेमाल से बिल्कुल ही आपकी स्किन साफ़ और शफाफ हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम बनाने लगे हैं। ये मेरे पास एक सीरम की बोतल है, आप इस बोतल को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी बोतल नहीं है तो आप कोई भी और सिंपल बोतल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इसमें 1/4 आपने इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, कोकोनट ऑयल डालना है। देन आपने इसमें ऑलिव ऑयल डालना है, देन आपने विटामिन ई डालना है। इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे स्किन के। चलिए जी चलते हैं। कोई भी चीज़ आपको 1 या 2 दिन में फ़ायदा कभी भी नहीं देगी। आपने इस सीरम का मुसलसल इस्तेमाल करना है, कम से कम आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। 1 महीने के बाद आप इसका वादा रिज़ल्ट देखेंगे। ये जो लोग बातें करते हैं कि हमारी ये क्रीम यूज़ करें या हमारा ये प्रोडक्ट यूज़ करें, इससे आपको 1 ही दिन में फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब झूठ और अफवाहें होती हैं। कोई भी चीज़ यूज़ करने का एक मुद्दत होती है, आप उस एक लिमिट में आपने मुसलसल इसको इस्तेमाल करना होता है। इसके बेहतरीन और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाएं। ऐसी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, हमारे किचन में, हमारे बेडरूम में, हमारे ड्रेसिंग पे ये ऑयल मौजूद होते हैं। हम लोग